हे गाइस, आप में से मेरे से किसी ने ये बोला था कि मैं अपने लैपटॉप के बारे में गेमिंग रिव्यू की वीडियो को बनाऊं। तो इस वीडियो के अंदर मेरे पास में जो इस वक्त लैपटॉप मौजूद है लेनोवो G5070, उसकी मैं गेमिंग रिव्यू की वीडियो को बना रहा हूं। इससे पहले मैंने इस लैपटॉप के बारे में एक फुल रिव्यू वीडियो को बनाया है, उसके अंदर मैंने इस लैपटॉप के बारे में डिटेल में आपको बताया था। तो अगर आप इस वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। ज़्यादातर गेम्स जो इस वीडियो के अंदर मैं खेलने वाला हूं वो फ्री टू प्ले गेम्स हैं, और अगर आप उन गेम्स में इंटरेस्टेड हैं तो उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक ओल्डर गेम के साथ में, जो कि है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। इस गेम को मैं सिंगल प्लेयर मोड में हाई ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर इस वक्त खेल रहा हूँ, और ये गेम काफ़ी पुराना है और उसकी ग्राफिक्स रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस गेम को तो आप इस लैपटॉप में आसानी से खेल पाएंगे। नेक्स्ट गेम है स्प्लेंडर दी अराइवल। ये एक हॉरर गेम है, उसको भी मैं हाई ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर इस वक्त खेल रहा हूँ। और गाइज, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मैं इस वक्त स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो अगर आप गेम प्ले की फुटेज को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं गेमिंग के दौरान, तो वो भी आप इस लैपटॉप में कर पाएंगे। नेक्स्ट गेम है पैलेडिन्स, इसको आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ओवरवॉच से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और आप इसको स्मूथली इस लैपटॉप में खेल पाएंगे। और एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट गेम काफ़ी पॉपुलर गेम में से एक है, इसको आपने एंड्रॉइड के अंदर खेला होगा। यह है एसफोल्ड 8। इसको आप विंडोज स्टोर से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस गेम के अंदर ऑनलाइन मोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इस गेम को भी मैं हाई ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर इस वक्त खेल रहा हूँ। नेक्स्ट गेम है वॉरफेस। ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। ये मेरा फेवरेट गेम है इस वक्त, और गाइस आप नोटिस करेंगे तो इस गेम के ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और हाई ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर भी आप लेनोवो G5070 के अंदर या फिर लेनोवो G5080 के अंदर इस गेम को स्मूथली खेल पाएंगे। और अगर आप इस गेम में इंटरेस्टेड हैं तो इसको आप स्टीम से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट गेम है लास्ट मैन स्टैंडिंग, इसको भी आप फ्री में स्टीम से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये गेम प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स के जैसा है, और इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो दूसरे गेम से थोड़ी ज़्यादा है, और मिनिमम आपको लैपटॉप में 6GB की रैम तो चाहिए होगी बेटर परफॉर्मेंस के लिए। फिर भी आप इस गेम को सिर्फ लो सेटिंग्स के अंदर ही खेल पाएंगे, लेकिन मैंने इस वक्त मेरे लैपटॉप में रैम को अपग्रेड नहीं किया है, तो मैं 4GB रैम के साथ ही इस गेम को खेल रहा हूँ, और गेम प्ले के दौरान मैंने फ्रेम ड्रॉप्स और लैग्स को नोटिस किया है। लास्ट गेम है Assassin's Creed Syndicate। ये गेम ज़्यादा भी पुराना नहीं है, उसके विजुअल इफेक्ट्स और ग्राफिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और इस गेम को भी आपको इस लैपटॉप में लो सेटिंग्स के अंदर ही खेलना होगा, और उसके बाद में भी आप फ्रेम ड्रॉप्स और लैग्स को नोटिस कर सकते हैं। और गैस, मैंने ऑनलाइन चेक किया है कि आप इस लैपटॉप के अंदर GTA V और Battlefield 4 इसके अलावा आप Telltale गेम्स को भी इस लैपटॉप में खेल सकते हैं। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये गेम्स इस वक्त मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैंने YouTube पे कई बंदों को इन गेम्स को इस लैपटॉप में खेलते हुए देखा है, और इन वीडियोज़ का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो गैस, लेनोवो G5070 और G5080 जो है ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है,
फिर भी आप कई गेम्स को इस लैपटॉप में खेल पाएंगे। तो होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।